Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey. Class 12th ki matrices ki next video aaj main aapke samne lekar ke aaya hu. Continuously matrices ki video main upload kar raha hu. I hope aap sare videos ko sequence mein dekh rahe honge. To last video jo tha wo humne multiplication pe us pe focus kiya tha ki do matrices ka multiplication kaise hota hai. Jisne bhi wo video nahi dekhi hai pehle us video ko dekhen kyunki मल्टीप्लिकेशन जो है बेस है मैट्रिसेस में. मल्टीप्लिकेशन का काफ़ी यूज़ होता है और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग तरीके से हमको अप्रोच लगानी होती है. आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हमारा फोकस न्यूमेरिकल्स पे रहेगा. कुछ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं वो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे. अलग अलग टाइप्स के मैट्रिसेस के बारे में पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ. तीन टाइप्स की जो मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पहली है आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स, फिर है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, फिर है निलपोटेंट मैट्रिक्स. छोटे छोटे डेफिनेशन है, इनको आप याद कर लीजिए, आगे भी आपके काम आएंगी. ये पहली डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नाम आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होंगे. ये मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, लिंक से आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं. अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be an idempotent matrix if A square equals to A. बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया और उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद जो आंसर है फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं. स्क्वायर का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन आपको लास्ट वीडियो में बताया था. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या था, आप दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज वो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो ए स्क्वायर का मतलब है कि आपने ए स्क्वायर का मतलब है एक इंटू ए निकाला और उसको ए इंटू ए करने के बाद फिर से आपका आंसर दोबारा से ए आ गया. तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? आइडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स. सिंपल डेफिनेशन है. आते हैं सेकंड डेफिनेशन में. इसमें देखते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स. याद रखिएगा सब में स्क्वायर मैट्रिक्स चल रहा है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be an involutory matrix if a square is equal to i. यानी कि किसी मैट्रिक्स को आपने उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या यूनिट मैट्रिक्स आ जाए. यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगनल के एलिमेंट्स वन होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. तो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो आइडिम्पोर्टेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. फिर आते हैं अगला निलपोर्टेंट मैट्रिक्स. इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा आपको अलग तरीके से देखनी है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ भी फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी अ निलपोर्टेंट मैट्रिक्स a nilpotent matrix if there exist m belongs to n. यानी कि एक natural number m एक ऐसा exist करना चाहिए such that a raised to the power m is equal to zero matrix. यहाँ पर zero matrix लिखा हुआ है और ये जो m है इस m को हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ a. कहने का मतलब यह है कि आपको एक मैट्रिक्स a दी थी, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आपने पहले a स्क्वायर निकाला यानी कि a इंटू ए किया, फिर आपने a क्यूब निकाला, a क्यूब का मतलब a स्क्वायर इंटू ए किया, फिर आपने a की पावर फोर किया, a की पावर फोर में a क्यूब इंटू ए किया और जैसे a की पावर फोर किया तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिल गई. तो अगर जैसे ही ये आपको पावर फोर करने पे जीरो मैट्रिक्स मिल गई तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? निलपोटेंट मैट्रिक्स.
और क्योंकि पावर 4 पे ये जीरो मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका इस केस में इंडेक्स कितना हो जाएगा? 4। समझ में आए स्टूडेंट्स? किसी भी मैट्रिक्स की वो सबसे छोटी नेचुरल नंबर वाली पावर जो उसको जीरो मैट्रिक्स बना दे, उस मैट्रिक्स को हम उसका इंडेक्स बोलेंगे, और उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट आपको कोई दी और उसका आपने करते रहे पावर इंक्रीज करते रहे और आपको जीरो मैट्रिक्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब वो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा तीनों टाइप की मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो आइडिम्पोर्टेंट, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाए तो वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स की पावर एम करने पे वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए तो उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, और एम उसका क्या हो जाएगा? इंडेक्स हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे जो हमारा आज मेन फोकस है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आइडिम्पोर्टेंट का ही है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए क्या है आइडिम्पोर्टेंट। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका पहले वाले का। ए क्या है? 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। आइडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या थी? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको आइडिम्पोर्टेंट बोला था। बस यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, और ए इंटू ए का मतलब क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर देना, -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इंटू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। मल्टीप्लिकेशन कैसे बताया था मैंने आपको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। तो कैसे? 2 × 2 = 4, -2 × -1 + 2, एंड -4 × 1 - 4, ये आ जाएगा। अगला 2 × -2 - 4, फिर -2 × 3 - 6, -4 × -2 + 8। मल्टीप्लिकेशन मैंने डिटेल में इसके लास्ट वीडियो में करवाया था मैट्रिसेस के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका ये मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट होगा थर्ड कॉलम से, 2 × 4 - 8, -8, और -4 × -3 + 12। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, -1 × 2 - 2, 3 × -1 - 3, और ऐसे +4, ये हो जाएगा 2 + 9, और 4 × -2 - 8, -1 × -4 + 4, 3 × 4 = 12, और 4 × -3 -4 - 12 हो जाएगा। अब आते हैं अगले में। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 and -3, -2 - 6 and +6, और -4 - 8 +9, कितना हो जाएगा स्टूडेंट से? ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 2। ये -10 + 8 -2, ये -16 + 12 -4, और -5 + 4 -1 3, 16 - 12 = 4, ये 1 आ जाएगा, ये -2 आ गया, और ये -3 आ गया। आप देखिए जो मैट्रिक्स आपको ए दी हुई थी वो क्या थी? 2 - 2 - 4, -1 3 4, एंड 1 - 2 - 3। तो हमने इसका ए स्क्वायर निकाला, और ए स्क्वायर करने पे फिर से ये ए आ गया। और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे फिर से अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो ए को हम क्या बोलेंगे कि ए इज़ आइडिम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब ए कैसी मैट्रिक्स हो गई? आइडिम्पोर्टेंट। ये तो बात होगी पहले न्यूमेरिकल की। सेकेंड न्यूमेरिकल में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताई थी। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या थी? कि किसी मैट्रिक्स की पावर एम करने पे अगर वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए तो उसको हम निलपोटेंट बोलते हैं, और एम उसका इंडेक्स हो जाएगा।
यहाँ पे इंडेक्स कितना प्रूव करना है, 2। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की पावर 2 करने पे ये कैसी मैट्रिक्स बन रही होगी, जीरो मैट्रिक्स, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया। तो इसको जीरो मैट्रिक्स आपको बनाना है। ए क्या है, ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 3 माइनस 4, इसका स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 3 माइनस 4। तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस 3 माइनस 4, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, माइनस 4 माइनस 6 प्लस 8 सॉरी 1 3 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस 9 और प्लस 12, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 12 और प्लस 16। फिर माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4 3 प्लस 9 माइनस 12 4 प्लस 12 माइनस 16, ऐसे ही 1 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 16। इसको हमको जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो ये 4 माइनस 4 जीरो, माइनस 12 प्लस 12 जीरो, माइनस 16 प्लस 16 जीरो, माइनस 4 प्लस 4 जीरो, 12 माइनस 12 जीरो, 16 माइनस 16 जीरो, 4 माइनस 4 जीरो, सारी जो एलिमेंट्स है वो जीरो बन गए। तो इस केस में आप देखिए, हमने ए स्क्वायर किया और वो जीरो मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ए कैसी मैट्रिक्स हो गई, ए इज निलपोटेंट एंड इंडेक्स कितना प्रूफ करना था, 2, और इंडेक्स 2 आ भी रहा है क्योंकि 2 पावर करने पे ही ये क्या बन जा रही है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल हो गया आपका, फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड कर लिया। थर्ड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड्स एग्जाम जो भी होते हैं, सीबीएसई आईसीएसई बाकी अदर स्टेट बोर्ड्स के जहाँ जहाँ एग्जाम्स 12th के होते हैं, वहाँ आपको ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी ईयर के पेपर में जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप समझ लें। ए आपको ये मैट्रिक्स दी है, आपको प्रूफ करना है आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू ऑर्डर की, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। तो आपको आई प्लस ए ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो हमको प्रूफ करना है, उसमें जो राइट साइड में कॉस अल्फा और साइन अल्फा है, इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्लास 11th का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 2 टैन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये मान लेते हैं कि जो टैन अल्फा बाई 2 है वो, उसको हम मान लेते हैं टी, अगर इसको टी मान लें, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ, टैन अल्फा बाई 2 को टी मानेंगे तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई प्लस ए, आई प्लस ए निकाल लेते हैं पहले। आई प्लस ए का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1
टू ऑर्डर की क्यों लें, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था ये टू ऑर्डर की है, प्लस ए, ए क्या है, ए देखिए आप, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू यानी कि टी हो गया माइनस का, फिर टेन अल्फा बाई टू और जीरो यानी कि टी और जीरो, इनको ऐड करेंगे तो वन प्लस जीरो वन, ये जीरो प्लस माइनस टी टी और वन, इक्वेशन वन, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आई माइनस ए का मतलब हो गया जो हमने आई प्लस ए निकाला था इसके बीच में माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली अगर इसी को यहाँ पे माइनस बना करके सॉल्व कर दूँ तो आई माइनस ए क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस माइनस टी प्लस टी बन जाएगा, जीरो यहाँ पे माइनस टी करेंगे तो माइनस टी आ जाएगा और ये वन हो जाएगा, ये आई माइनस ए निकाल दिया हमने। और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या है, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा क्या है, माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर है साइन अल्फा, साइन की जगह पर आ जाएगा टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और कॉस अल्फा की जगह पर वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, रो का कॉलम से, वन का इससे मल्टीप्लीकेशन, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, टी का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, वन का इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, टी का इससे करेंगे तो प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, प्लस वन का इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी का इससे करेंगे तो टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और वन का इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं, देखिए एलसीएम सेम है तो वन प्लस टी स्क्वायर आ गया एलसीएम, देखिए सबका एलसीएम सेम है, वन प्लस टी स्क्वायर में सबके एलसीएम को पहले लिख दे रहा हूँ, वन प्लस टी स्क्वायर और वन प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया सबका, इसका एलसीएम वन प्लस टी स्क्वायर है तो वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन में जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था वन का इससे और टी का इससे करेंगे तो यहाँ पे टू टी स्क्वायर होगा, तो वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस टू टी प्लस टी कितना होता है माइनस टी, और माइनस क्या हो जाएगा टी क्यूब, इनको ऐड करेंगे तो माइनस टी प्लस टू टी कितना होगा टी प्लस टी क्यूब, और टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये टी स्क्वायर प्लस वन इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा वन, इससे माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इसमें से टी कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, अरे वन ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा वन माइनस टी टी और वन, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। अब आप देखिए इक्वेशन वन में जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो, और जो इक्वेशन टू में राइट हैंड साइड है वो, वन माइनस टी टी वन टी वन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बोला था मैंने आपसे, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लें, हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।